पटना से खबर है जहां चालान को लेकर पुलिस और लोगों में जमकर झड़प हुई है। जिसका चालान काटा गया उसका आरोप है कि पुलिस की गाड़ी पर न तो नंबर प्लेट है और न ही किसी पुलिस वाले ने सीट बेल्ट लगाई थी, लेकिन वो दूसरे का चालान काट रहे हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि जिन लोगों ने हंगामा किया उनके पास न तो गाड़ी के कोई कागज हैं और न ही ड्राइविंग लाइसेंस, लेकिन पुलिस के रोकने पर लोगों ने बहस करना शुरू कर दिया। नए मोटर व्हीकल एक्ट के कानून की सख्ती को दिखाने के लिए पुलिस ने जब एक महिला को रोका तो उसने ऊपर ही पुलिस के ही आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि आपने खुद सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है, आपने वो सारे नियम कायदे नहीं अपनाए हुए हैं जिन्हें आपको रोड ट्रैफिक के दौरान अपनाने चाहिए। इसी को लेकर काफ़ी हंगामा हो गया। हालांकि पुलिस का पक्ष ये है, पुलिस साफ तौर पर ये कह रही है कि ना तो ज़रूरी कागजात थे गाड़ी के, ना ही ड्राइविंग लाइसेंस ही उस महिला के पास था। नहीं था। कोई कागजात पॉल्यूशन का, इंश्योरेंस का और इवन ड्राइविंग लाइसेंस भी उनके पास नहीं था। तो इस तरह से जो फाइन बनता है उसका फाइन सुनाया गया, तो फाइन सुनने के बाद जो है वो चिल्लाने लगी और यहाँ जो कर्मी थे उनसे उलझ पड़ी और चिल्लाने के क्रम में आसपास लोगों को इकट्ठा करके हंगामा शुरू कर। यहाँ के जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी हैं उनके द्वारा तुरंत जो है वरीय पदाधिकारी लोग को सूचना दिया गया, उसके बाद फोर्स एंड और बाकी पदाधिकारी लोग भी आए, भीड़ को नियंत्रित यहाँ किया गया। कुछ लोगों को यहाँ से अभी पकड़ करके ले जाया गया है, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। कितनी संख्या है अभी हम नहीं बता पाएंगे, सारा वेरीफाई करने के बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। और इस मामले पर हमारे साथ हमारे सहयोगी चंद्रमोहन जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, पुलिस अपना पक्ष बता रही है लेकिन महिला के भी आरोप हैं जो भीड़ उनको सपोर्ट कर रही है, सच्चाई क्या है आखिर इस मसले की? बिल्कुल, देखिए महिला का सीधे तौर पर यह आरोप है कि जो पुलिस वाले यहाँ पर रोक कर और लगातार चेकिंग कर रहे हैं वो खुद पहले ठीक से नहीं होते हैं। वो जब गाड़ी से चलते हैं तो उनके पास न हेलमेट होता है, नहीं पर्याप्त जो नियम और कानून बनाए गए हैं उसके मुताबिक उनके पास पेपर होता है। और आज जो ये घटना हुई है इसमें महिला का सीधे तौर पर आरोप है कि इनके पास सब कुछ उपलब्ध था, सब पेपर मौजूद है, बावजूद इसके इनसे जबरन पैसा और जो फाइन है वो वसूला जा रहा था और हंगामा हुआ है जिसमें जो आम लोग मौजूद थे, आम लोग और पुलिस के बीच में जमकर झड़प हुई है। 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं जो किशन रथ चौराहा है वो पूरी तरह से रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है, वहां पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस वहां पर तैनात किए गए हैं कि लोग अगर हंगामा फिर से करते हैं तो उनको रोका जाए। लेकिन स्थिति जिस तरह की अभी बनी हुई है साफ तौर पर दर्शा रहा है कि पुलिस में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं और यही वजह है कि जो लोग भी सही पेपर भी लेकर जाते हैं उनसे भी पुलिस जबरन यह चाहती है कि उनको यह धमकाए और यह बताए कि वो सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। और यही वजह है कि यह एग्जीबिशन और चौराहे पर हंगामा हुआ है और पुलिस और आम लोगों के बीच में जमकर पत्थरबाजी हुई है। शुक्रिया चंद्रमोहन इस जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश से अगली खबर, जहां आसमान से आफत बरस रही है। पिछले 48 घंटों से प्रदेश के हर हिस्से में भारी बारिश है। मंडला में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में ज्यादा पानी के कारण मंडला से डिंडोरी, जबलपुर और सिवनी जाने वाले रास्ते बंद हो गए हैं, तो वहीं रपटा घाट पर बना पुल पानी में डूब गया है। अगली खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। रामनगर में भारी बारिश की वजह से एक नाले में उफान आ गया। नाले में उफान से सड़क पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है। इस दौरान एक बस का ड्राइवर यात्रियों की जान जोखिम में पानी के तेज बहाव में डालता दिखा और बस को उस रास्ते से पार करता हुआ नजर आया। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के रामनगर की। देखिए एक जो नाला था वो किस तरह से उफन रहा है और वो पूरा पानी इस सड़क पर आ रहा है। जिस सड़क से आपको दिख रहा है एक बस सामने से आ रही है, इस बस में यात्री सवार हैं और यात्रियों की जान को जोखिम में डालते हुए ये बस का ड्राइवर
डगमगाती हुई गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ और ये बस किसी भी हादसे का शिकार हो सकती थी, इसकी संभावना बनी हुई थी। उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर जहां पर आसमान से तो बारिश हो ही रही है, आफत आ ही रही है, लेकिन जो समतल जगह हैं वहां पर इस कदर पानी का सैलाब है कि लोगों को अपने ज़रूरी कामों के लिए इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। बिहार के सिवान से खबर है जहां भारी बारिश के बाद लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया, यही नहीं थाने के अंदर भी पानी घुस गया है, जिससे वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि शहर के नाले जाम हो गए हैं जिसकी वजह से पानी नहीं निकल पा रहा है। अगर प्रशासन पानी निकालने का इंतजाम करता तो ऐसे हालात ही नहीं होते। राजस्थान की झालावाड़ से अगली खबर